नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संभल में जमकर बरसे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने की ताकत किसी भी विरोधी पार्टी में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण के खात्मे का चुनाव है। और पार्टी के कार्यालय में जाकर के आप सब कार्यकर्ताओं से भेंट करूं। मुझे बताया गया कि पार्टी का जो कार्यालय है पार्टी कार्यालय का मुख्यालय जो है यहाँ से दूर है। बताओ तो आप सबको रिसॉर्ट में आने का कार्यक्रम बनाया गया। फतेहपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिवसीय सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में काफिले के साथ पहुंचे। अखिलेश यादव का काफिला बांदा से चलकर सर्किट हाउस पहुंचा, जहां सर्किट हाउस के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम पहले से मौजूद था और अखिलेश यादव को देखते ही जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। झांसी में स्वतंत्रता दिवस पर हनुमान मंदिर हंसारी में झांसी के प्रतिष्ठित समाज सेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले हिंदू स्वराष्ट्र तिरंगा यात्रा के संयोजक हर्षित कनौजिया ने संदीप सरावगी का फूल माला पहनाकर और श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में जिला अधिकारी को संबोधित पत्र सौंपा गया। पत्र में कहा गया कि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा द्वारा लंबे समय से आग्रह किया जा रहा कि बुंदेलखंड के सभी मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में जो पद खाली हैं, उन्हें 15 दिन के भीतर भरा जाए। देखिए, ये झांसी में अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहे हैं, इसके बाबत 3 पत्र हमने मंडल आयुक्त को दिए, 3 पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय को दिए और 2 बार FIR कराने का प्रयास किया, 2 FIR लिख के हमने SSP साहब को दी। झांसी के तहसील में सैकड़ों की संख्या में किसान और ग्रामीण एकत्रित होकर बिजली न आने के विरोध में पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उनके गांव में सिर्फ 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। क्या नाम है, कहाँ के हैं? रामिन सिंह गुर्जर नाम है, बमरोली स्टेट के रहने वाले। क्या मामला लेकर आए हैं आप तहसील? हम विद्युत विभाग लाइट के मामले में आए। 23 तारीख को हम लोगों ने धरना किया था पावर हाउस पर, शाहजहाँपुर पावर हाउस पर। वहाँ SDM साहब पहुँचे थे, SDOP साहब पहुँचे थे, XN साहब भी आए थे। वहाँ हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपको 24 घंटे में 12 घंटे लाइट मिलेगी। हरदोई में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर शहर के एक होटल और संचालक समेत 6 लोगों पर 6,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे ही बिना लाइसेंस के व्यापार करते पकड़े गए 6 लोगों पर 1,30,000 का जुर्माना लगाया गया है। ADM ने कोर्ट में पारित आदेश में जुर्माना राशि जमा करते हुए चालान की प्रति न्यायालय में प्राप्त कराए जाने के आदेश दिए हैं। बदायूं के नागपुर में एक महिला ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने बताया कि दहेज प्रताड़ना को लेकर जब वो थाने पहुंची तो दरोगा ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे गालियां दी। इस संबंध में पीड़िता ने SSP से ऑनलाइन शिकायती की है। झांसी के मुरानीपुर में दुकान पर बैठे युवक के साथ कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। वही पीड़ित ने रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इटावा में ऑटो चालक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। ऑटो चालक की हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ऑटो चालक का ऑटो और मोबाइल लूटने के बाद हत्या कर शव को चंबल नदी के किनारे फेंका था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।